अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये दिखाने लेके ये आई हूँ कि ये हमारी बिल्डिंग के साथ ही बिल्डिंग है, वहाँ पर छोटी सी आग लगी और तकरीबन 20 गाड़ियाँ फायर फाइटर की आई और उन्होंने ये यहाँ से कुछ लोगों को भी रेस्क्यू किया और यहाँ पर आग बुझाई। बिल्कुल थोड़ा सा धुआं निकल रहा था लेके, और ये देखें उसके बाद अब बहुत देर के बाद हम लोग घर आए तो ये अब रात के 2 बज रहे हैं और स्नो दोबारा शुरू हो गई है और इतनी स्नो, और ये देखिए अब आसमान कितना सफ़ेद हुआ हुआ है, ऐसा लगता है जैसे दिन है। और ये सुबह हो गई है तो बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा है ये सारा जो मंज़र है सामने का। तो आप देखें, लेकिन यहाँ पर आप लोग ये देखें कि इन लोगों ने कितनी सहूलतें रखी हैं कि पूरी रात भी जो रोड साफ़ करने वाले ट्रक हैं वो पूरी रात भी यहाँ पर आते रहे हैं। हर 2-3 मिनट के बाद ट्रक आकर रोड साफ़ करता था। तो स्नो मुसलसल हो रही है, लेकिन ये देखें आप, ये लोग साथ साथ रोड को साफ़ कर रहे हैं ताकि वहाँ पर ये बढ़े ना स्नो। गाड़ियाँ बिल्कुल बर्फ़ से ढक चुकी हैं और अब ये है कि रोड तो साफ़ कर देते हैं ये, तो जिन्होंने कहीं जाना होता है तो अपनी गाड़ी साफ़ करके निकल जाते हैं कि रोड साफ़ होते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अभी सुना है कि 22 जनवरी को बहुत ज़्यादा स्नो होनी है, स्नो स्टॉर्म आना है, तो अल्लाह खैर करे। और आज जो कुछ मरी में हुआ वो आज पूरा दिन हम लोग देखते रहे हैं, सुबह से ही देख रहे हैं न्यूज़ में कि वहाँ पर क्या हुआ, कितने लोग बेचारे मर गए और वहाँ पर फंस कर। बस अल्लाह ताला इन नागहानी आफतों से पनाह में रखे हर इंसान को। और यहाँ पर भी पिछले दिनों जब स्नो हुई 1-2 दिन पहले, तो I-95 पर 27 आवर का 27 घंटे का ये ट्रैफिक जैम हुआ, तो बहुत मुश्किल थी वहाँ पर लोगों को। लेकिन इन लोगों ने साथ ही साथ सड़कों पर दोनों तरफ में कैंप लगाए, कुत्ते बिल्लियों तक इन्होंने खाना पहुंचाया। तो इंसानियत तो खैर है इन लोगों में बहुत ज़्यादा। अब वहाँ पर मरी में सुना है कि उन्होंने एक एक रात के 3-3 गुना रेट बढ़ा दिए थे। लोगों ने भागने की कोशिश की कि चलो घरों को पहुँचें, इतना पैसा होता नहीं है लोगों के पास। वो मरी चल पड़े और वहाँ पर उनके साथ ये हो गया। बस अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो हमने कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी, उसके लिए हम जा रहे थे। शाम को हमारी कहीं पर दावत है, हमने उधर जाना है, तो इसलिए कोई तैयारी वगैरह और थी। तो घर का कुछ सामान भी लेना था, कास्को आए थे, वहाँ से कुछ चीज़ें नहीं हैं। और अब बैंक जा रहे हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर घर से तैयार होकर फिर हमने एक दावत में जाना है, वहाँ जाएँगे। तो ये देखें स्टिल स्नो है, लेकिन लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं क्योंकि सड़कें, इन्होंने रोड बहुत अच्छी तरह साफ़ किए होते हैं, नमक बहुत डालते हैं सड़कों पर। जैसे इनको पता होता है कि आज स्नो होनी है, उस दिन शाम से ही रोड्स पर ट्रक आ जाते हैं, साइडों पर खड़े होते हैं, क्योंकि वो साथ साथ जो है ना नमक डालते होते हैं कि ताकि स्नो जो हो तो वो उससे वो मेल्ट होती जाए। तो इस बार सुना है वर्जीनिया में बहुत, अमेरिका में स्नो पड़नी है, वर्जीनिया में भी बहुत पड़ेगी। पिछली बार तो मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल 1-2 बार ही पड़ी थी हल्की सी, लेकिन इस बार सुना है कि बहुत ज़्यादा पड़नी है। अब आप लोग देखें क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगी जब अगली बार होगी तो स्नो। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं, रात हो गई है और हम अपनी, मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ, वहाँ पर हमारी दावत है। ये देखें कितना मज़े का और शानदार खाना बना हुआ है, आप लोग देखें। चलें जी, अब हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, खाना खाते हैं। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ अपनी अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।